एक कपूर की भक्ति करते हैं, उसके बदले में भी कुछ मांग लेते हैं। लेकिन कुंती माता विपदा संतु ना सस्व, हे प्रभु आप कुछ देना चाहते हो तो मैं विपत्ति दो। हे विपत्ति से हर आदमी घबराता है भैया, किसको विपत्ति चाहिए, किसको दुख चाहिए, किसको गरीबी चाहिए। कुंती कहती है कि भगवान मुझे दुख चाहिए, अगर आप कुछ देना चाहते हो। तो कृष्ण ने कहा कि बुआ आप दुख क्यों मांग रही हैं? क्या अभी आपका पेट दुख से नहीं भरा? अरे आप छोटी थी तो आपके पिताजी ने कुंती भोज को दे दिया, इसलिए आपका नाम कुंती हो गया। विवाह हुआ, पति पीलिया का मरीज निकल गया, मातृ को ब्याह करके ले आए, फिर एक ऋषि के द्वारा श्राप भी मिल गया, यदि पत्नी का साथ होगा तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। देवताओं के द्वारा 5 बालकों की उत्पत्ति हुई। तो कहा भगवान उन परिस्थितियों में तो आप साथ दे, लाक्षागृह में तो आपने रक्षा की, द्रौपदी की आपने कहां कैसे रक्षा की। द्रुपद सुदा दुर्बल भई जा दिन तजियाए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई अपसन रूप भय श्याम। जिनका ऐसा रूप है ना आदि ना है ना मध्य है ना अंत है, ऐसे भगवान वस्त्र रूप में अवतरित हो गए थे द्रौपदी की रक्षा के लिए। भगवान आप तो हमेशा ही हमारे साथ दुख में खड़े रहे, और आज जब हमारे पुत्र राजगद्दी पर बैठ गए तो आप जा रहे हैं, हमारे पौत्र हो गया तो आप जा रहे हैं। तब कहा कि अगर सुख आने से प्रभु आप चले जाते हैं, आपका सुमिरण बंद हो जाता है, तो वो सुख नहीं विपत्ति है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। तो कहा कि हे भगवान, हनुमान जी ये कहते हैं कि जिस क्षण हे प्रभु आपका विस्मरण हो जाए वही तो दुख का समय, और दुख था तो आप साथ रहे खड़े रहे द्रौपदी की रक्षा के लिए, लाक्षागृह से रक्षा के लिए, वनवास के समय और उस युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि में आप खड़े रहे। हे भगवान आज सुख आया तो आप जा रहे, मुझे ये सुख नहीं चाहिए, ये सुख आप ले लो, मुझे दुख चाहिए, मुझे तो कृष्ण चाहिए, क्योंकि ये सुख भी ये शरीर भी तो खत्म हो जाएगा, तो उस सुख को मैं लेकर क्या करूंगी, जिस सुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो हमें दिख रहा है कि व्यक्ति सुख है, यही तो हमारा भ्रम है। तो चाहे व्यक्ति धन से हो, पैसे से हो, रूप से हो, किसी भी चीज से संपन्न हो, लेकिन वास्तविक में अगर वो यथार्थ को ना समझ पाया तो वो दुखी होकर इस दुनिया से विदा हो जाएगा। तो माता कुंती ने इस प्रकार से कहा नहीं बुआ हम तो साथ ही खड़े हैं। कुंती ने रोते रोते भगवान को विदा किया, लेकिन विदा भगवान हो रहे हैं, अर्जुन जिद कर रहे हैं कि हम साथ चलेंगे, अर्जुन भगवान के साथ चलने को तैयार है। लेकिन पहले कहां गए, आज 52 दिन से सरसैया पर पड़े हैं भीष्म जी 52 दिन से सरसैया पर पड़े हुए हैं, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो वसु जी 8 वसुओं में एक वसु है भीष्म, भगवान आज द्रौपदी के साथ 5 पांडवों के साथ भीष्म के सामने गए। भगवान किस तरफ से आ रहे हैं, जिस तरफ से भीष्म का चरण है। देखो भगवान किस तरफ से आ रहे, इसलिए कि ऐसा महात्मा उनके चरणों की रक्षा है। मुझे भगवान चरण की तरफ से आ रहे हैं कि मैं इस संत के चरणों का दर्शन करूं। आज जब भगवान पीतांबरी लहलहा रही है, श्यामल सुंदर स्वरूप भगवान का कोमल अंग भीष्म के चरणों के पास खड़े हुए हैं, तो भीष्म ने कहा कि प्रभु आप पधारे, सायंकाल होने वाला है, बड़े बड़े ऋषि महात्मा अम्लात्मा मुनि आज भीष्म के दर्शन के लिए आए हैं,
भगवान भी द्रौपदी और पांडवों के साथ पधारे, भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कुछ इनको शिक्षा दो, तो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान भागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समान व्यास योग्यता, सभी प्रकार की शिक्षा दी। द्रौपदी ने कहा कि आपके मुख से शिक्षा नहीं अच्छी लग रही है, जब मेरे वस्त्र हरण हो रहे थे तो आपकी बुद्धि कहाँ चली गई, तब आप ना कुछ बोल पाए, आज ज्ञान दे रहे। भीष्म ने कहा देवी सही कह रही आप, मैंने कौरवों का अन्न खाया था और उस अन्न में बेमानी थी, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और आज हमारा हमारे शरीर का वो सारा रक्त बह चुका है जो उस अन्न से बना था, तो गंदगी हमारे शरीर की दूर हो गई है, इसलिए हमें निर्मल बुद्धि की प्राप्ति हो गई। भगवान ने कहा बड़ी बातें कर रहे हैं, जब युद्ध हो रहा था तो आप तो पांडवों की तरफ से नहीं थे। बोले नहीं नहीं प्रभु, शरीर भले किसी के साथ था लेकिन मन तो आप में था, और मन में ये हमारे प्यास थी, इच्छा थी कि जयो अस्तु पांडवानां, विजय पांडवों की हो, तो हमारे विपक्ष में क्यों खड़े हो गए। भीष्म ने कहा हे भगवान, अगर मैं आपके साथ होता तो आपका मुख कैसे देख पाता, विपक्ष में मैं इसलिए खड़ा हो गया आमने सामने कि सदैव आपके मुख मंडल का दर्शन करता रहूं, अगर आपके बगल में खड़ा होता तो मैं युद्ध में कैसे दर्शन कर पाता, इसलिए हे भगवान सामने खड़ा रहा। और आज भीष्म कहते हैं प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूं, कहा मृत्यु के समय भैया कौन विवाह करता है, तुम तो इस संसार से जाने वाले हो। बोला नहीं नहीं अभी हमारी एक कन्या है कुमारी, उसका विवाह करना चाहता हूं। कौन है, बुद्धि, ये बुद्धि आज तक है केशव, किसी में अनुरक्त ना हुई, किसी में आसक्त ना हुई, किसी को मन से भी बुद्धि ने स्पर्श न किया। हे माधव हमने केवल व्यवहार निभाया है, बुद्धि तो केवल आपके चरणों में है, इसलिए अपनी बुद्धि रूपी कन्या का आप कृष्ण रूपी पति को समर्पित करना चाहता हूँ। और हे भगवान उस महाराज के दृश्य को पूरा सुनाया और कहा मैया यशोदा ने जब आपको उखल में बांधा था वो छवि मेरे मन में बसे भगवान, जब कृष्ण को यशोदा ने उखल में बांधा था, और हे भगवान आपकी वो आंखें, आप रो रो करके आपके गलों के गले का जो हार था वो भी कांप रहा था, आप रो रहे थे आंखें मीच रहे थे, आप ब्रह्मांड के नायक हैं, कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन आप ऐसे बंध गए प्रेम में कि रस्सी में बंध गए, हे प्रभु ऐसे वात्सल्य स्वरूप आपकी जो छवि है वो हमारे हृदय में निवास करे, ऐसा कहते हुए 145 वर्ष की आयु में भीष्म पितामह ने उत्तरायण के समय जाकर नाम मरत मुख आवा अदम मुकुट होय श्रुति गावा राम राम के जय जय मुहाई तिनहि न पापो पुंज समुहाई, तो जिनका नाम बार बार यतन कराई अंत राम कभी आवत नहीं, जिनका नाम कहलाते रहो भैया राम बोल दो आखिर, नहीं वो तो कहेंगे मैं पोते को दिखाओ बेटे को दिखाओ चाबी दिखाओ हमको कहाँ है सामान कितना है, इनको बुला दो उनको बुला दो, ऐसी परिस्थितियां हमारी अंत में भी बनी रहती हैं। लेकिन आज वही भीष्म पितामह जिनका नाम एक बार लेने में नहीं आता, आज भीष्म पितामह उनकी संपूर्ण लीला कथा का वर्णन अंतिम समय में कर रहे हैं, और ऐसा कृष्ण का नाम लेते लेते जैसे सायंकाल में पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, पक्षियों का चलना बोलना बंद हो जाता है, ऐसे ही महात्मा भीष्म देवव्रत गंगा पुत्र भीष्म ने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए देवलोक की यात्रा की। बोले राधा वल्लभ भगवान की जय जय श्री राम। आइए भगवान का एक भजन गाते हुए इस वाणी को समाप्त करते हैं, कल कथा हम 5 बजे प्रारंभ